मैं मुबीन हिंद और आप देख रहे हैं नोहर टुडे। उदयपुर में टेलर कन्हैया लाल की हत्या के विरोध में शनिवार को विश्व हिंदू परिषद व बजरंग दल के आह्वान पर नोहर बंद रहा। इस प्रदर्शन को भारतीय जनता पार्टी ने भी समर्थन दिया। बंद के चलते आवश्यक वस्तुओं को छोड़कर सभी दुकानें बंद रही। प्रदर्शन से पहले कार्यकर्ता सादीराम पचीसिया संस्कृत पाठशाला में एकत्रित हुए, जहाँ से नारेबाजी करते हुए मुख्य मार्गों से होते हुए उपखंड कार्यालय पहुँचे, जहां पांच सूत्री मांगों को लेकर एसडीएम के माध्यम से राष्ट्रपति को ज्ञापन भेजा गया। कार्यकर्ताओं ने यहां गांधी चौक में भी सभा को आयोजित कर इस हत्याकांड पर गहरा रोष जताया। शनिवार सुबह ही कार्यकर्ताओं की अलग अलग टोलियां बंद को लेकर दुकानदारों से अपील करती दिखी। गांधी चौक में हुई सभा को संबोधित करते हुए वक्ताओं ने कहा कि इस घटना से पूरे राष्ट्र का हिंदू समाज आहत हुआ है। एलानिया धमकी देकर कन्हैया लाल की हत्या की गई। पुलिस में शिकायत दर्ज कराने के बाद भी उसे सुरक्षा नहीं मिल पाई। वक्ताओं ने आरोप लगाया कि राज्य में कानून व्यवस्था पूरी तरह छिन्न भिन्न हो चुकी है, टारगेट करके हत्याएं की जा रही है, जो कि निंदनीय है। वक्ताओं ने कहा कि राजस्थान में इससे पूर्व भी योजनापूर्वक हमलों की कई घटनाएं हो चुकी है। इसके अलावा राष्ट्रपति को भेजे गए ज्ञापन में पूरे हत्याकांड की जांच सीबीआई से करवाने, राजस्थान सरकार को बर्खास्त करने, पीएफआई संगठन पर बैन लगाने, राष्ट्र विरोधी गतिविधियों में शामिल लोगों की पहचान कर उन पर कार्रवाई करने व कन्हैया लाल के परिजनों को 5 करोड़ का मुआवजा देने की मांग की गई। नोहर क्षेत्र की तमाम खबरों से अपडेट रहने के लिए हमारे चैनल नोहर टुडे को सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद। पिछले दिनों जिस प्रकार कन्हैया लाल की तालिबानी सोच के साथ क्रूर और निर्मम हत्या की गई, उसका विरोध पूरे हिंदुस्तान में नहीं पूरी दुनिया में हो रहा है। इस प्रकार की अमानवीय घटना को कोई भी सभ्य मानव समाज स्वीकार नहीं कर सकता। इस घटना से पूरे हिंदुस्तान की जनता में रोष है और इसी श्रृंखला में पूरे राजस्थान में और इस हत्या के विरोध में और इन हत्यारों को जल्द से जल्द फांसी देने की मांग को लेकर के पूरे राजस्थान को बंद किया गया। उसी श्रृंखला में आज नोहर में सर्व समाज की ओर से नोहर बंद रखने का कार्यक्रम किया गया। नोहर बंद संपूर्ण रूप से सफल रहा। नोहर की जनता ने इस बंद में अपना पूर्ण सहयोग और समर्थन दिया। विश्व हिंदू और बजरंग दल के साथ साथ सभी सामाजिक संगठनों ने, सभी धार्मिक समाज के लोगों ने इस बंद को समर्थन दिया है। बंद पूर्ण रूप से सफल रहा है और बंद के बाद ये विरोध मार्च निकालने के बाद हम पूरी रैली पूरा जुलूस एसडीएम कार्यालय पहुंचा। यहाँ एसडीएम महोदय को ज्ञापन देकर के राज्यपाल महोदय के नाम और जल्द से जल्द और कन्हैया लाल के हत्यारों को फांसी देने की मांग की गई है। हम हिंदुस्तान की जनता किसी भी कीमत पर इस तालिबानी सोच को हिंदुस्तान के अंदर पनपने ही नहीं देंगे। हम जागरूक है, एकजुट है, किसी भी कीमत पर इस प्रकार का आतंकवाद और अमानवीय घटना हिंदुस्तान में स्वीकार नहीं है। पुनः हम पूरे नोहर क्षेत्र की जनता की ओर से, सर्व समाज की ओर से और इन हत्यारों को जल्द से जल्द फांसी देने की मांग करते हैं। जय भारत, जय हिंद।